वेलकम बैक स्टूडेंट्स. आज हम एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ डिवाइड सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा 11/25 4/7/8. तो इसे हम सॉल्व करते हैं 11/24 क्वेश्चन में गिवन है बाय 7/8. बाय मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसे डिवाइड करने के लिए दे रखा है. तो हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अगला नंबर हमारा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे 8 1 8 8 3 24. तो क्या बचा 11/21. दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 6 7/8 / 11/16. तो 8 6 48. 48 में प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 49 50 51 52 53 54 55/8 डिवाइडेड बाय 11/16. इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 8 1 8 8 2 16 11 11 11 5 55. तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 2 10. क्वेश्चन नंबर 3 5 5/9 / 3 1/3. तो 9 5 45 45 + 5 कितना हो गया 50/9 डिवाइडेड बाय 3 3 9 + 1 10/3. 50/9 को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10. दैट इज 10 1 10 10 5 50 3 1 3 3 3 9. तो आंसर आया हमारा 5/3. इसको हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे 3 1 3 + 2 5 हो जाएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 32/1 3/5. तो 32 / 5 + 3 8/5 हो गया. तो 32 × 5/8 हो जाएगा 8 1 8 8 4 32 कट गया. 4 × 5 बचा तो 4 5 कितना हो जाएगा 20. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 45/1 4/5 है. तो 45 / 5 + 4 करेंगे 9 हो जाएगा. 9/5 45 × 5/9 हो जाएगा. 9 1 9 9 5 45 5 5 25. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 63/2 1/4. तो 63 को डिवाइड करना है 4 2 8 + 1 9/4 से. मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 1 9 9 7 63. तो 7 4 इतना हो गया हमारा 28. ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए रोप ऑफ अ लेंथ 13 1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 pieces ऑफ द सेम लेंथ. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस. हमारे पास एक रस्सी है जिसकी हमें टोटल लेंथ टोटल लंबाई जो है हमारी इतनी है उसको हमने 9 टुकड़ों में डिवाइड किया है और हर एक टुकड़े का जो लेंथ है वो सेम है. तो हमें एक पीस की लेंथ बतानी है. ओके तो हमको क्या गिवन है यहाँ पर टोटल लेंथ हमें गिवन है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ए रोप कितनी गिवन है हमें 13 1/2 मीटर दैट इज़ 27/2 मीटर. इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है. और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ ईच पीस. लेंथ ऑफ ईच पीस मतलब एक पीस की हमें लेंथ निकालनी है. तो हम एक पीस का जब हमें टोटल दे रखा हो और एक का निकालना हो तो हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं नंबर को. तो इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 1/9 हो जाएगा. और 9 1 9 9 3 27. तो क्या हो जाएगा ये 3/2. इसको अभी मिक्स फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 3 मीटर.
तो हमारी एक पीस की लेंथ कितनी आ गई है, 1 होल 1/2 मीटर आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 18 बॉक्सेस ऑफ नेल वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज 49 1/2 kg, हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। एटीन बॉक्सेस ऑफ नेल का हमें वेट दे रखा है इतना, और हमें एक बॉक्स का वेट हमें निकालना है। तो हमें जो गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे वेट ऑफ 18 बॉक्सेस ऑफ नेल। ओके, 18 बॉक्स का वेट कितना गिवन है हमें, 49 होल 1/2 kg, दैट इज कितना हो जाएगा, 99/2 kg। फिर हमें कितना किसका निकालना है, वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ नेल फाइंड आउट करना है। तो जब हमें वन का निकालना है, 99/2 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 99/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18। 9 2 जा 18, 9 11 जा 99। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 11/4, 11 1 जा 11, 2 2 जा 4। इसको अब हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 हो जाएगा। तो एक बॉक्स का जो वेट हमारा आया है वो है 2 होल 3/4 kg। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 per kg, सॉरी पर ऑरेंज, ए मैन गेट्स ₹378, हाउ मनी ऑरेंज डस ही सेल। इसमें हमें एक ऑरेंज का रेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज का, और हमें बताना है कि उस आदमी ने, सेलर ने इतने रुपीज़ के ऑरेंज बेचे हैं, तो तुम्हें बताने हैं कि उसने कितने टोटल कितने ऑरेंजेस बेचे हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस तुम्हें बताने हैं। ओके, तो हमें जो गिवन है, पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, कितने कॉस्ट के उसने ऑरेंजेस बेचे हैं, 378 के बेचे हैं। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज क्या है। कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज है ₹6 होल 3/4, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल, ठीक है, कि उसने कितने ऑरेंजेस सेल करे। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज से। ओके, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, 378 रुपीज़ है। वन ऑरेंज की कॉस्ट क्या है, 4 6 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 27/4। अब हम इसे कट करते हैं, सॉरी पहले हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा ला नंबर, इसको कट करेंगे, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और फिर अगेन 3 1 जा 3, 3 14 जा 42। तो अब हमारे पास क्या बचा, 14 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 56। तो उसने कितने ऑरेंजेस सेल करे हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने 56 सेल करे हैं, तो उसको इतने रुपीज़ मिले हैं। ओके, इट मीन्स कि इतने रुपए में उसने 378 रुपीज़ में उसने 56 ऑरेंजेस सेल करे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंगोज आर सोल्ड एट ₹43 1/2 per kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ और मैंगोज अवेलेबल फॉर ₹326 1/4 kg। इसमें बोला गया है कि एक किलो ऑरेंज बेचने पे उसे
इतना रुपीस मिला है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ, तो इतने रुपीस में उसने कितने और मैंगोस बेचे होंगे। ओके तो सबसे पहले हमें क्या गिवेन है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगो। टोटल कॉस्ट हमें पता है कि उसने टोटल मैंगो जो है वो इतने रुपीस में बेचे हैं। ओके और हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो भी गिवन है। 1 kg मैंगो उसने कितने में बेचे हैं, ₹43 whole 1/2। 1 kg एप्पल मैंगोज उन्होंने इतने के बेचे हैं। अब आपके क्या निकालना है, वेट ऑफ मैंगो। तो वेट ऑफ मैंगो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो। दैट इज टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, 326 1/4 डिवाइडेड बाय 43 1/2। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 326 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 6 24 4 + 2 4 2 8 19 4 3 12 13 1304 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1305/4 और 43 2 जो हो जाएगा हमारा 86 प्लस 1 करेंगे 87/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/87 हो गया। अब इसे हम यहीं से कट करेंगे तो 2 2 जा 4 कट गया, 3 9 जा 27 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 सॉरी यहाँ पे 5 है, 3 5 जा 15 आएगा। ओके अब हम 4 हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 435/2 × 29। अब हम देखते हैं 29 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं, 435/29 से 29 1 जो 29 13 में से 9 गया 4 5 5 9 45 2 10। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 29 1 जो 29 और ये भी 15 से कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 15/2 बचा। और इसको अब हम मिक्स फॉर्म में करेंगे तो 2 7 और 1 7 whole 1/2 आ जाएगा। तो हमारा जो मैंगोज का जो वेट है वो हमारा आ गया 7 whole 1/2 kg। ओके तो इतने किलो एप्पल मैंगोज बेचे हैं उन्होंने इतने रुपीज़ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स आज हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके थैंक यू।